छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ व्यापम में ग्राम सेवक के 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो आप ऐसे जो भी स्टूडेंट जो अभी बेरोजगार हैं और आप ऐसे हर एक स्टूडेंट बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है कि 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आए। आप समझिए इस बात को कि 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए, इतने हाई लेवल पोस्ट आप लोगों के लिए आया है, और आप जो है प्रिपरेशन अपनी तैयारी जो है अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन जाए। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी आपका 2022 और 2023 आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 और 23 में इतने ज़्यादा जॉब वैकेंसीज, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए अभी आएगा जितना आप लोगों ने कभी उम्मीद नहीं किया है। क्योंकि इस बार आप लोगों का जॉब वैकेंसी जो है देखने को मिलेगा। हर महीने 15 दिन में कोई ना कोई भर्ती आप लोगों के लिए जो है निकल कर आएगा। तो ठीक इसी प्रकार आपका जो है ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आए। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन सकते हैं, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप जो है कैसे कर सकते हैं, ग्राम सेवक बनने के लिए आपको कौन कौन से पुस्तक पढ़ना चाहिए जिससे आप ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें, साथ ही आप लोगों को पूरा शैक्षणिक योग्यता सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मैं बताऊंगा, साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको ग्राम सेवक के लिए आवेदन कब करना है और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, और आवेदन करने के लिए आपको जो है कितना समय दिया जाएगा, कैसे आपको जो है प्रिपरेशन करना है जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रिसेंट में जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है उसके बारे में जो है ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे आपका शिक्षक का टीचर भर्ती के लिए आपका जो है 10,000 वैकेंसीज आया है, एडीओ के 415 पदों के वैकेंसीज आया है, ट्रैफिक पुलिस के 2000 पोस्ट है, जेल प्रहरी के 2000 पोस्ट है, और आपका जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पोस्ट है, अमीन पटवारी के 288 पोस्ट है। तो 6 से 7 पोस्ट के लिए जो है ऑलरेडी पहले से ही नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो ठीक इसी प्रकार आप लोगों के लिए ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो अपना तैयारी जो है अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैं हर एक वीडियोस में बोलता हूँ कि ये जो समय है, ये पल है, ये आपका कभी दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। दुनिया में हर एक चीज़ पैसों से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो समय एक बार निकल गए ना, आप चाह कर भी आपके पास कितने पैसे भी हो जाए लेकिन आप खरीद नहीं सकते। इसलिए समय का जो है सही से सदुपयोग कीजिए। यदि इस समय का यदि आप सही से सदुपयोग कर लेते हैं, ज़िंदगी में आप जो है सफलता एक बार, सिर्फ इस ज़िंदगी में एक ही बार आपको सफलता की ज़रूरत होता है, उसके बाद आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि बिना सफलता के, बिना पहचान के, बिना कामयाबी के ज़िंदगी गुमनाम है। अगर खुद की पहचान न बना सके तो गुमनाम है ये ज़िंदगी। अगर खुद की पहचान बनाना है तो किसी और का सहारा लेना छोड़ दो। ये ज़िंदगी जब तुम्हें मिली है तो खुद अपने दम में कुछ कर कर दिखाओ। अगर किसी के पहचान से, किसी के जो उनके पावर्स है उनका यूज़ करके यदि आपको कोई भी जॉब मिलता है, वो जॉब वो आपके बदौलत नहीं उनके बदौलत मिला है, तो थोड़े टाइम के लिए आपका तो एक पहचान बन जाएगा। 2-3 महीने के लिए बस आपको लाइमलाइट मिल जाएगा, उसके बाद आपको उस जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आप खुद के कैपेबिलिटी से, खुद के काबिलियत से आपको वो जॉब नहीं मिला। इसलिए ज़िंदगी आपकी है, आपको सोचना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो है क्या करना है, क्या बनना है, किस तरह से अचीवमेंट जो है हासिल करना है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल और संघर्ष से भरी है। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको असफल हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ज़िंदगी यही है। आप बार बार ठोकर खाएंगे, हर बार ठोकर खाएंगे, आपको असफलता मिलेंगी। लेकिन आपके अंदर एक जोश जुनून होना चाहिए कि आपको एक ठानना चाहिए कि हाँ, मुझे कितने भी असफलता मिले, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे गिव अप नहीं करना है, आपको ये सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक बार मेहनत किए, दो बार मेहनत किए, तीन बार, चार बार, पांच बार, और बार बार आप जो है 6 से 7 बार असफल हुए, उसके बाद आप जो है गिव अप करके छोड़ देंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी ज़िंदगी में आप सामने वाले के लिए कुछ आइडियल बनिए। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट होते हैं जो कई लोग आपको बोलते हैं, आपको अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन आप लोग उसके ओपिनियन को कोई महत्व इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाया। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि जब भी
किसी को तुम ओपिनियन दोगे तो तुम्हारा रिस्पेक्ट करे, तुम्हारी इज्जत करे और तुम जो बता रहे हो उन सभी चीज़ों को फॉलो करे। तो ये सब कैसा होगा, आप खुद के अंदर कुछ बदलाव करेंगे, खुद के अंदर कुछ जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छे से हार्डवर्क करेंगे, ज़िंदगी में सक्सेस पाएंगे, हासिल करेंगे, तभी तो आपके जो भी चीज़ आप बताएंगे लोग उनको जो है फॉलो करेंगे। रिस्पेक्ट हमेशा उनकी होती है जो खुद पर बिलीव करते हैं। जिन्हें खुद पर बिलीव नहीं होता वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता, अगर आप भी मान के चलते हैं कि हाँ उसने तो बोला है कि ये हो ही नहीं सकता और आप भी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश ही नहीं करते, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता तो आपको लगना चाहिए कि ये कौन होता है जो बोल रहा है कि हो ही नहीं सकता, तो आपको अपना आखिरी प्रयास ज़रूर करना है कि मैं कर सकता हूँ। बस खुद पर भरोसा रखो, इस दुनिया में कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता। किसी के भी मोटिवेशनल स्पीकर के तुम कितने भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस खुद को आप मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद के अंदर अगर आप में आत्मविश्वास है, तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसीज आने वाला है। शैक्षणिक योग्यता आपका जो है ग्रेजुएशन है, स्नातक होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। वेतन आपको जो है 18,000 स्टार्टिंग में मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती है। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपके मैथ्स है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस। साइंस से भी आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। इन सभी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके एग्ज़ाम्स में ये भी पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस फल में मिलता है। कुछ आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कॉमन सा और इजी सा सवाल है, एग्ज़ाम में जो है कुछ इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम में जो है बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। बस आपको एग्ज़ाम्स के लिए जो है तैयार रहना है। बस खुद पर भरोसा रखिए, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करे या ना करे, आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना, आपको खुद के बारे में सोचना है। तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए।